सदगुरु के साथ जिनावा जी, प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए लर्निंग का जी। आज का टॉपिक है भक्ति भावना से होती है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, भक्ति भावना प्रधान है। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। भोले भाव मिले रघुराई की जो भोले होते हैं, बच्चे बन के रहते हैं, तो परमात्मा उनको ही पसंद करते हैं। और हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो प्यारे दुलारे बच्चे होते हैं, उनको सभी गोद में उठाकर बच्चों को प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं। तो इसी प्रकार जो भक्त होते हैं भोले भाले होते हैं, और जो भोले भाले होते हैं तो परमात्मा के दरबार में उनकी ही कीमत है। भक्ति में चालाकी और चतुराई नहीं चलती है। अगर मन में चालाकी और चतुराई है तो फिर हम भक्त नहीं हैं। भक्ति दिल का सौदा है। भक्ति हमेशा दिल से होती है, क्योंकि दिल और दिमाग में अंतर होता है। दिल में होती है भावनाएं, दिल में होता है प्रेम, और मन में होती है चालाकी और चतुराई। मन की उड़ान बहुत ऊंची होती है। मन ख्याली पुलाव पकाता है, संसार के चक्कर में रहता है, संसार के बारे में सोचता है, दुनियादारी के बारे में मन सोचता है। और जब दुनियादारी के बारे में इंसान सोचता है तो फिर मन मलिन होता है, क्योंकि फिर इस संसार के साथ जुड़ने के बाद मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं, और चालाकी, चतुराई, छल, कपट, झूठ, फरेब भी मन में आ जाता है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि मन को मंदिर बनाओ, इस मन को निराकार के साथ जोड़ो, क्योंकि जब परमात्मा के बारे में सोचेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, तो ये मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल बिल्कुल ना भावा। कि जब ये मन साफ सुथरा है तो प्रभु मन में विराजते हैं, और जिस मन में प्रभु विराजमान हो गए वो मन मंदिर बन जाता है। मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योत पहचान। जब मन मक्का मदीना काशी काबा बन जाता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बन जाता है, तो फिर मन की फिर कीमत है। और ये मन की कीमत तब होती है जब सतगुरु के चरणों में हम इस मन को झुका देते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो मन के समझाने पर ये सारा खेल है कि मन को समझाना पड़ता है। और ये मन अगर समझ गया, संतों की संगत करने लगा, तो फिर ये परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, और मन से फिर चालाकी चतुराई मिट जाती है, और फिर एक समर्पण वाला भाव मन में आ जाता है। तो भक्ति जो होती है ये एक भोलापन, भोलेपन की अवस्था है, कि भोले भाव मिले रघुराई। क्योंकि प्रभु को हमारी भावनाएं पसंद हैं। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। सबरी माता जी ने श्रद्धा, प्यार से, भावनाओं से भगवान को जूठे बेर खिलाए, और भगवान ने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। तो प्रेम में बहुत शक्ति है। तो जिस दिल में ये प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है, तो प्रेमी जन प्रभु को पाते हैं, प्रेमी जन ही प्रभु को भाते हैं। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमारे हृदय में निर्मल भाव होने चाहिए, शुद्ध भाव।
अगर हमारा हृदय पवित्र हो गया, निर्मल पावन हो गया, इस हृदय में भावनाएं आ गईं, तो फिर ये भावनाएं प्रभु को प्रवान हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति हमेशा भावना से ही होती है। चालाकी चतुराई से भक्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि जहां पर चालाकी चतुराई है फिर वहां पर अहंकार आता है, पद प्रतिष्ठा की लालसा बनी रहती है, और जहां पर पद प्रतिष्ठा है, लोभ लालच है, फिर वहां भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो कोई विरला ही करता है, लाखों में कोई एक ही करता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कि भक्ति तो कोई विरला विरला करता है, कोई शूरमा करता है। हनुमान बनना इतना आसान नहीं है, इतनी वानर सेना थी, लेकिन हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर एक भावना थी, रामय केवल प्रेम प्यारा। तो भक्ति भावना जिसके हृदय में आ गई, फिर वो हनुमान बन जाते हैं, माता सबरी बन जाते हैं, कबीर दास बन जाते हैं, मीराबाई बन जाते हैं, संत तुकाराम बन जाते हैं। तो सारा ये खेल भावनाओं का है। तो जिस हृदय में सच्ची भावना है, परमात्मा के प्रति सच्ची लगन है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर वो भक्ति करते रहते हैं। और भक्ति जो है ये परमात्मा के साथ एक रिश्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता है। और रिश्ते तभी निभते हैं जहाँ पर भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है। तो प्यारी साध संगत जी, हम बिल्कुल निर्मल भाव से प्रेम के साथ प्रभु को याद करें, और हमेशा ये बात याद रखें कि भक्ति भावना प्रधान है, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। भक्ति भावना से होती है। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।